आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यूनाइटेड कठुआ जम्मू कश्मीर पुलिस का वॉर रूम है ये। लेकिन नाम देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, इस वॉर रूम को मैनेज करने वाले सभी लोग पुलिसकर्मी नहीं है। आप देख सकते हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं, वॉलंटियर्स हैं, जो अपनी मर्जी सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं जो कठुआ से वॉलंटियर कर रहे हैं ताकि इस COVID-19 के लॉकडाउन में कोई भूखा ना रहे, किसी को मेडिसिन की ज़रूरत है मेडिसिन उन तक पहुंचे, दूध की ज़रूरत है दूध उन तक पहुंचे, स्ट्रे एनिमल्स तक का ख्याल रख रहे हैं ये सभी वॉलंटियर्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेली इन्हें कॉल्स आती हैं, उन कॉल्स का रिकॉर्ड बनाया जाता है, किसकी क्या ज़रूरत है उसे वेरीफाई किया जाता है और उसके बाद उनके वॉलंटियर्स जाकर उन तक वो सभी एसेंशियल कमोडिटीज़ पहुंचाते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत है। हेल्पलाइन नंबर मैं चाहूँगी कि आप ध्यान से देख लें, 9540501414। और भीड़ ज़्यादा हो जाने की वजह से, कॉल्स का रश ज़्यादा हो जाने की वजह से एक और हेल्पलाइन नंबर भी वो ऐड कर चुके हैं, 9797501414। तो ये हेल्पलाइन नंबर्स अपने माइंड में रखें। मैं चाहूँगी कि मैं इन लोगों से बात करूँ और आप तक पहुँचाऊँ कि आखिर क्या कुछ काम ये अभी तक कर चुके हैं। तो आपका नाम? मैं प्रभजोत सिंह। प्रभजोत जी, आपसे जानना चाहूँगी कि आप क्या चीज़ मैनेज कर रहे हैं? मैं एक्चुअली, मेरा काम है वेरीफाई करना केस, जैसे कोई हमको कॉल आती है कोई नीडी पर्सन है, तो मेरा काम है कि वार रूम से जाना केस वेरीफाई करना, केस जेनुइन कि नहीं जेनुइन है। तो किस तरह से वेरीफाई करते हैं कि केस जेनुइन है या नहीं? एक्चुअली हम जाते हैं उनके डोर स्टेप पे, देखते हैं कि उसकी फाइनेंशियल हालात कैसी है। अगर तो वीक है तो हम आपको वार रूम में देते हैं कि मैसेज देते हैं कि यार अटेंड, ये अपने परचेज कुछ नहीं कर सकता, या तो इसको मेडिसिन चाहिए या इसको होम डिलीवरी चाहिए कुक फूड की या और किसी रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं उसको हम आइडेंटिफाई करके अपने वार रूम में डिस्कस करते हैं अपने मेंबर से, तो हम उसको प्रोवाइड करवाते हैं। तो लगभग कितनी मेडिसिन आपने अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों में दे दी होगी? मैं मोर देन 80,000 वी हैव गिवन टू डीडी पर्संस। 80,000? और यहाँ पर मैं जान जाऊँगी कि केवल कठुआ में ही ये मेडिसिन डिलीवर होती हैं या पूरे जम्मू में कहीं पर भी? एक्चुअली वी हैव डिलीवर टू रियासी आरएसपुरा सेक्टर्स, क्योंकि सम मेडिसिन दे पीपल रिक्वायर्ड दे आर फ्रॉम आउटसाइड स्टेट्स, सो दे आर फ्रॉम साइकेट्रिक्स, सो दैट्स वाई वी डिलीवर टू आरएसपुरा एंड रियासी सेक्टर। साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जहाँ तक बात है खाने की, क्योंकि इस वक्त कोई भूखा ना रहे, हर कोई चाहता है कि कोई भी इस लॉकडाउन में भूखा ना रहे, कितनी मील्स अभी तक यूनाइटेड कठुआ जम्मू कश्मीर डिलीवर कर चुकी है? मोर देन 10 लाख प्लेट्स यूनाइटेड कठुआ हैज़ डिलीवर्ड टिल नाउ। बट उसके साथ साथ जो हमारा ये वो आंकड़ा है जो ऑफिशियल है, अनऑफिशियल आंकड़ा जिसके लिए हम ये बोल सकते हैं, बिकॉज हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रे में लोग आते जाते रोड पे मिल जाते हैं जो भूखे होते हैं, जो खाने के लिए डिमांड करते हैं, वो हमारे पास रजिस्टर्ड कॉल्स में नहीं होते। अगर वैसा देखा है तो मोर देन 15 लाख प्लेट्स हमारा यूनाइटेड कठुआ अब तक फीड कर चुका है, और इसको हम कंटिन्यूटी में तब तक रखेंगे जब तक ये COVID-19 का प्रकोप जारी रहेगा। तो ये खाना बनाता कौन है? जी, बनाने के लिए मैम हमारे पास अभी 15 लंगर चल रहे हैं हमारे पूरे ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, जो कि एसएसपी सर की सुपरविज़न में है और हमारी यूनाइटेड टीम कठुआ की सुपरविज़न में है। इसमें हमारे अलग अलग टीम्स हैं, अलग अलग लंगर्स हैं, हम कम्युनिटी किचन्स बने हैं वहाँ पे, पूरी एक लंगर टीम है। लंगर टीम्स को देखने के लिए हमारे पास पूरा डैशबोर्ड है जहाँ पे हम स्टॉक पूरा देखते हैं, कहाँ पे कितना स्टॉक लग रहा है, कितने लोगों का खाना जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम पूरा उसको वेरीफाई करके चलाते हैं। और जितने भी लोगों तक खाना पहुँच रहा है, मेडिसिन पहुँच रही है, इसका खर्चा आखिर कौन कर रहा है? वो पैसा क्या जम्मू कश्मीर पुलिस दे रही है, आम लोग दे रहे हैं, कौन दे रहा है? मैम दिस इज़ द मेन पार्ट, मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगा, बिकॉज ये जो भी डोनेशन आ रही है सिर्फ डोनेशन है उन लोगों की जो लोग ना तो पुलिस से हैं ना तो गवर्नमेंट से हैं, ये वो लोग हैं, ये कॉमन पीपल हैं, ये जम्मू कश्मीर के वो लोग हैं जिन्होंने अपने अच्छे टाइम पे अगर कमाया है तो जम्मू कश्मीर के बुरे टाइम में वो लोग डोनेट कर रहे हैं। और मैं आपको बताते हुए हमें काफ़ी अच्छी खुशी होती है, यहाँ पे खुद हमारे पास कॉल्स आती हैं कि हम इतना डोनेट करना चाहते हैं, वेदर यू कॉन्टैक्ट अस और वी आर कमिंग टू योर वॉर रूम, कि हम यहाँ पे ये चीज़ डोनेट करना चाहते हैं। हमारे पास टन के हिसाब से चावल भी आए हैं, दालें भी आई हैं, लोग देखे गए हैं और कैश में भी डोनेशन आया है। तो डोनेट करने के लिए क्या मीडियम क्या है, क्या इसी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके? जी बिल्कुल, वो इसी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हैं या फिर पर्सनल मीन्स पे, जैसे कोई अगर किसी पर्सनल किसी को जानता है पर्सनल मीन्स से जानता है वो कॉल करके बोलेगा, और वो हमारा वॉलंटियर जो भी होगा वो उनको वॉर रूम में इन्वाइट करेगा, अदरवाइज हमारा वॉलंटियर उनके घर पे जाके वो रिसीव करेगा डोनेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम?
मेरा नाम हरविंदर सिंह है। तो आप क्या चीज़ मैनेज कर रहे हैं इस वॉर रूम? एक्चुअली जैसे कि मार्शल भैया ने बताया कि हमारे पास केस आते हैं, वो वेरीफाई किए जाते हैं यहाँ पे आके केस। मेरा काम ये यहाँ पे ये है कि जैसे इनकी कॉल कंप्लीट हो जाती है, ये केस वेरीफाई हो गया, मेरी ड्यूटी ये है कि उस केस को कंप्लीट करवाना है। चाहे सपोज कीजिए कि लंगर की रिक्वायरमेंट आ गई है तो उस बंदे तक लंगर डिलीवर होना चाहिए, वो मुझे डेटा कंप्लीट करके उस उन तक लंगर पहुँचाना है। अगर किसी की मेडिसिन ये परचेज करके लाए हैं सपोज कीजिए जम्मू से या पठानकोट से, तो मेरा काम है उस मेडिसिन को उस नीडी बंदे के उस घर तक डोर स्टेप तक पहुंचाना है। मैंने यहां से मतलब उनको राइडर को अलॉट करना है कि आप जा पिए। तो कितने राइडर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं और कितनी डिलीवरीज अभी तक आपने इस तरह से मैनेज कर ली होंगी? नियर अबाउट अभी हमने डैशबोर्ड देखा कि हमारे पास नियर अबाउट 300 पीपल जो है हमारे पास राइडर अवेलेबल हैं हमारे पास, जो हमने लोकल एरियाज में रखे हैं। जैसे वार्ड नंबर 16 है तो वार्ड नंबर 16 के अंडर ही हमारे पास वॉलंटियर है। हम उनको कॉल करते हैं कि यहाँ से मेडिसिन अगर हमारे वार रूम तक आ चुकी है, आप यहाँ से रिसीव करिए और उनके डोर स्टेप तक आप उनकी मेडिसिन दे के आइए। आपके बारे में मैंने सुना कि आप स्ट्रे एनिमल्स का ध्यान रखते हैं, चाहे वो कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, घोड़े हैं, गाय हैं, क्योंकि इस समय जानवर भी भूखे हैं। तो आपका नाम जानना चाहूंगी और आप क्या कुछ कर रहे हैं? ठीक है, मेरा नाम है गगनप्रीत सिंह। फिलहाल मैं दो डिपार्टमेंट देख रहा हूँ, एक सोशल मीडिया और एक ये एनिमल्स वाला। तो सोशल मीडिया में हमें ऐसा है कि जो कॉल्स आ रही हैं और वो अपना व्हाट्सएप में प्रिस्क्रिप्शन भेज रहे हैं, तो हम उसका प्रिंट निकाल के पूरी फाइल तैयार करके जगह जगह जैसे पठानकोट, अमृतसर, जलंधर या जम्मू जहीं भी भेजना हम भेज रहे हैं। तो उसके बाद मेरा जो दूसरा पर्पस है एनिमल्स। सो पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि एक नरिंदर पाल सिंह जी हैं जो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। वो एनिमल्स जो कि हाईवे पे जो इंजर्ड हो जाता है उनका खुद जाके ट्रीट कर रहे हैं, और फिलहाल वो कोई बेसिक कोई वेटनेरियन डॉक्टर नहीं है। तो सबसे पहले ये सेवा स्टार्ट की थी संजीव वर्मा जी ने, वो उन्होंने स्ट्रे डॉग्स को डालना स्टार्ट किया था। फिर जैसे जैसे काम बढ़ता गया तो SHO साहब हमारे चीफ सर, वो भी सुबह सुबह जो ग्रीन ग्रास ये कोस वगैरह को डालते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक बेसिक पर्पस रहता है कि यहाँ से जो भी हम अपने घर में रात को जाते हैं तो जहाँ जहाँ भी हमें एनिमल्स या डॉग्स दिखते हैं हम उनको फीड करते करते जाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर चीज़ सिस्टमैटिक वे में होती है, ट्रांसपेरेंट मैनर में होती है, पूरी अकाउंटेबिलिटी है कि अगर किसी शख्स ने डोनेट किया है तो उसकी डोनेशन सही तरीके से इस्तेमाल हो। आपसे जानना चाहूँगी कि अभी तक डेली आपको कितनी कॉल्स आती हैं? मैम अभी तक जो हमारे पास टोटल कॉल्स आ चुकी हैं वो हैं 5,882 कॉल, जिसमें से 5,798 कॉल जो हैं हम अब तक कवर कर चुके हैं। इसमें से कुछ मेडिसिन की कॉल हैं जो मेडिसिन हमें दिल्ली से मिलनी है और वो मेडिसिन हमारी अभी पेंडिंग है, और हमने उसके लिए भी कॉन्टैक्ट किया है वहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं उनसे हमने कॉन्टैक्ट किया है कि आप ये मेडिसिन हमें लेकर परचेज करके किसी ट्रेन या बस के थ्रू भेजें। और अभी तक जो हमारे रिजॉल्व केसेज हैं वो हैं 5,798 और 84 केसेज हमारे अब तक पेंडिंग है, जो कि कल के केसेज हैं जो हमें कॉल्स आई थी मेडिसिन के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास डेली लंगर का स्टॉक बनता है कि हमें कहाँ कहाँ से ये लंगर की डिटेल, जैसे हमें राइस आए हैं, दाल आई है, कहाँ कहाँ से हमें डोनेशन मिल रही है और वो हम किस किस जगह पर यूज़ कर रहे हैं, उसकी डेली हमारा डेटा बनता है। और इसका डेली डैशबोर्ड हम रात को 10 बजे फ्लैश करते हैं कि जितने भी हमारी टीम है वो उसको देखती है कि हाँ आज हमारे पास ये डोनेशन आई है और हमने ये राशन बनाया है। अभी तक हमारे पास जो टीम है, टोटल टीम हमारे पास जो आ चुकी बन चुकी है हमारी, वो 422 लड़के हमारी टीम में जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो कि अलग अलग लोकेशन में है। हम इसी लोकेशन के रिगार्डिंग उनको ढूंढते हैं और हमारी जो लड़का अपॉइंट करता है लड़का हरविंदर जी, वो हरविंदर जी यहाँ से देखते हैं कि हाँ जी हमारे कौन सा लड़का कहाँ पर है, उनके फ़ोन नंबर पे कॉल करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि हमारे पास ये इंक्वायरी आई है, आपको इसे रिजॉल्व करना है, तो वैसे ही हम उसको आगे रिजॉल्व करते हैं। तो अभी तक कितनी डोनेशन आ चुकी है, कितनी डोनेशन इस्तेमाल हो चुकी है और कितना सामान आप बांट चुके हैं? जो राशन है वो अभी तक 402 फैमिलीज़ को हम बांट चुके हैं, और जो डोनेशन हमारे पास आई है वो तकरीबन 1100 टन राइस आ चुके हैं हमारे पास, जो कि खाना बनाने के लिए यूज़ है, और तकरीबन हमारे पास 3500 टन दाल और बाकी चीज़ें आ चुकी हैं जो कि हम यूज़ कर चुके हैं। कितने बजे वॉर रूम शुरू हो जाता है और कितनी देर तक आप लोग यहीं पर काम कर रहे होते हैं? सुबह 10 बजे हमारा वॉर रूम ओपन होता है और ये हमारा जो नंबर है ये ऑन हो जाता है, इस पर कॉल आना शुरू होती है, और उसके बाद रात को 10 बजे हमारी SSP सर के साथ मीटिंग होती है और हम सारे दिन की जो भी हमने काम किया है वो उनको बताते हैं कि आज हमारे पास ये क्वेरी आई है, और जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम उन्हें बताते हैं और वो हमें गाइड करते हैं कि इनको ऐसे रिजॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर सभी लोग वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं, कोई भी इनमें से पुलिस के साथ एसोसिएटेड नहीं है, पुलिस क्या मदद कर रही है आपकी? हमें पुलिस से बस यही मदद मिलती है कि कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें जाने में दिक्कत होती है या कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ से हमें कुछ परचेज करने में मुश्किलें आती हैं, वो सब हमें पुलिस हेल्प करती है। देख सकते हैं कि यूनाइटेड कठुआ फ्रंट
क्या क्या मेहनत ये लोग कर रहे हैं, जितने भी इनके राइडर्स हैं, चाहे वो लोगों तक दूध पहुंचाना हो, दवाई पहुंचाना हो, राशन पहुंचाना हो, लोगों तक कुक्ड मील्स पहुंचाना हो, लगभग 10 लाख मील्स इन्होंने, 10 लाख प्लेट्स अभी तक इन्होंने लोगों तक बांट दी है। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि जो हेल्पलाइन नंबर इन्होंने बताया है वो आपको दोबारा से एक बार दिखा दूँ। अगर आपकी भी कोई ज़रूरत है आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और डोनेट करने के लिए भी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको पूरा भरोसा दिला दिया हमने कि आपके जो पैसे हैं वो सही जगह पर इस्तेमाल होंगे।